नमस्कार विद्यार्थियों, सिरशक्ति क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पैसिवोइज में हमने कल जो इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े थे उससे हम आगे पढ़ेंगे। आज जो वर्ब है, इन वर्ब की पैसिवोइज कैसे बनती है, ऐसी वर्ब्स जो क्या शो करती है, स्टेट ऑफ माइंड, हमारी जो मस्तिष्क है उसकी जो अवस्था, उस समय क्या फीलिंग आ रही थी हमारी स्टेट, हमारे माइंड में, उसके बारे में, यानी हमारे दिमाग के से संबंधित अवस्थाओं को शो करवाने वाली कुछ वर्ब है। जैसे पहली वर्ब कौन सी है, नो, KNOW, नो यानी जानना। तो अगर नो का पैसिवोइज बनाना हो तो आज तक हमने क्या पढ़ा है कि बाई लगाकर हम जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको यहाँ पैसिवोइज में लिख देते हैं। लेकिन ये कुछ वर्ब है जिनके साथ में जो प्रीपोजिशन है वो फिक्स प्रीपोजिशन आते हैं, वहां पर हमें बाई का यूज नहीं करना, ये हमको रटनी ही पड़ेगी। अगर समझ रहे हो तो स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स, इससे हमें समझ में आ सकता है कि हमारी जो माइंड और हमारी जो भावनाएं हैं उसकी जो किस उस पर उस समय कौन सी स्थिति थी, अवस्था थी। जैसे नो यानी जानना, तो हम जानने का कार्य हमारे जो दिमाग है उससे ही करते हैं कि मैं तेरे को जान गया हूँ, यानी कि नो यानी जानना। अगर नो की फॉर्म दे रखी है, वैसे एग्जाम में हमारे टेंथ की बात करें तो वैसे नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये नो वाला इम्पोर्टेंट है। नो किसकी स्टेट होती है, हमारे माइंड की, हमारे माइंड की अवस्था होती है। तो नो का मतलब जानना, हम अपने मस्तिष्क से ही जानेंगे, देखेंगे उसको तब। उसी प्रकार एनोय, एनोय में दो लिखा हुआ है, एनोय का मतलब होता है झुंझलाना, यानी हम जब झुंझला जाते हैं तो ये भी हमारे फीलिंग्स में, यानी हमारे झुंझलाटपन है वो हमारे स्टेट होती है हमारी फीलिंग्स की। तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है विदर, एक जगह लिखा हुआ है एट, कि अगर ऐसे लिखा हुआ ही एनॉयड मी, इसका पैसिवोइज बनाना है तो कैसे बनाएंगे, विद क्यों लगाया और एट क्यों लगाया, उसके बारे में बात करें। तो अगर पैसिवोइज जब बनाते हैं तो उसके बाद में पैसिवोइज में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो ये जो विद होता है ये पर्सन के लिए होता है, पर्सन यानी किसी व्यक्ति के लिए, और एट का जो प्रयोग होता है वो व्यक्ति को छोड़कर अन्य कोई चीज हो, यानी समथिंग, कोई वस्तु हो उसके लिए आएगा, तब हम क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण लिखे हुए हैं, अभी और समझ लेंगे। आगे लिखा हुआ है सरप्राइज, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित होना, तो सरप्राइज आता है तो बाई नहीं लगाएंगे, जब सरप्राइज वर्ब आती है तो बाई नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एट। उसके बाद अमेज, ये भी इसी में ही है, इसके साथ क्या लगाएंगे, एट। इंटरेस्ट का पता ही होगा, इंटरेस्ट का मतलब किसी में रुचि होना, इन का प्रयोग करेंगे, और सेटिस्फाई के साथ किसका यूज करेंगे, विद का। ये हमें समझनी पड़ेगी। तो देखो सबसे पहले नो आया हुआ है, हमें इसका क्या बनाना है, पैसिव वॉइस बनाना है। तो नो है तो आप कैसे बनाओगे, ये प्रेजेंट सिंपल है, कैसे पता चला, सेकंड फॉर्म न्यू होती है, KNEW, तो ये दो ही टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल है तो ऑब्जेक्ट क्या है, हर, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी, ठीक है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंपल सेंटेंस है तो सी के साथ इज, और पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो नो की थर्ड फॉर्म नॉन, ठीक है, KNOWN। उसके बाद में हम क्या लगा देते हैं, बाई और मी। तो यहां पर कहने का मतलब है आप यहां पर बाई नहीं लगाओगे, कौन सी वर्ब आए तो नो वर्ब आए, तो नो वर्ब आए तो हम बाई का यूज नहीं करेंगे, कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, टू का, यानी कि यहां क्या होगा, और नियम सब सेम है, यहां पर किसका यूज किया जाएगा, टू का यूज किया जाएगा, हमें बस ये ध्यान रखना है। तो नो के साथ क्या लगाएंगे, टू, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा है एनोय विद और एनोय एट। अब इस सेंटेंस में विद क्यों लगा, क्योंकि यहां पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, बताओ, ही का प्रयोग किसके लिए होता है, जो सिंगुलर जो नाउन है थर्ड पर्सन, उनके साथ ही का, उनके लिए ही का प्रयोग करते हैं। तो ये अब हमारा क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। तो ही कोई पर्सन है, कि हम अगर किसी दूसरे व्यक्ति से झुंझला जाते हैं, उस पर हम अपना गुस्सा शो करते हैं, तो अब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा,
तो यहां पर पर्सन हो गया यही, इसलिए क्या हो गया, इसके साथ क्या लगाएंगे, विद। दूसरा यहां पर देखो, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, हर बिहेवियर, उसका व्यवहार। तो हर आपको पता चल गया होगा कि ये हर कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, कौन सा केस है, पजेजिव, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, पूरा हर बिहेवियर, उसका स्वभाव, उसका व्यवहार, यानी उसका व्यवहार। ये क्या है, कोई चीज है, समथिंग, यानी पर्सन नहीं है, उसके व्यवहार से संबंधित बात है, इसलिए यहां पर क्या होगा, इसके साथ किसका यूज करेंगे, एट का। अगर सरल शब्दों में समझना चाहें तो प्रोनाउन है या किसी का नाम आया हुआ है स्टार्टिंग में और एनओए की फॉर्म आई हुई है तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे, विद। और अगर पर्सन, कोई प्रोनाउन नहीं है और कोई पर्सन नहीं है, अगर फिर एनओए की वर्ब आ रखी है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट। तो देखो इसका कैसे बनाएंगे, हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है और एनओए की फॉर्म है, एनओए के साथ प्रोनाउन है तो विद लगाएंगे। तो सबसे पहले मी, मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई, ईडी लगा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड और सेकंड, थर्ड फॉर्म नहीं कह सकते, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सेकंड फॉर्म है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वाज या वर, आई के साथ क्या लगाते हैं, वाज, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, एनॉयड। अब आप यहां पर क्या नहीं लगाओगे, बाई नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि एनोय वर्ब के साथ अगर पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है तो विद का प्रयोग किया जाता है, तो यहां पर किसका यूज होगा, एनॉयड विद, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम। समझ में आया होगा, बस यहां पर ही चेंज है, बाकी रूल सेम है, बाई यूज करते हैं, इन वर्ब के साथ हम नहीं करेंगे, और भी वर्ब है जैसे डेकोरेटेड, ये हमने किया नहीं है, इंपोर्ट डेकोरेटेड के साथ विद लगता है। उसके बाद में ये है एनोय के साथ एट का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई प्रोनाउन या नाउन हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट नहीं हो, यानी हर बिहेवियर उस होगा, तो सब्जेक्ट तो नाउन और प्रोनाउन ही होता है, ये ध्यान रखें, लेकिन यहां पर व्यवहार होता है, व्यवहार किसी से संबंधित है, तो यहां पर इसलिए इसको समथिंग, किसी चीज में माना गया है, ठीक है ना। तो हर बिहेवियर एनॉयड मी, तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, मी क्या हो जाएगा, आई, उसके बाद में सेकंड फॉर्म है ये भी, तो वाज, एनॉयड की थर्ड फॉर्म एनॉयड ही होती है, उसके बाद विद, हर बिहेवियर, क्योंकि पजेसिव केस में कोई चेंज नहीं होता है। अगला है कि अगर सरप्राइज वर्ब आ रखी हो तो क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे, सरप्राइज के साथ क्या लगाएंगे, एट, यानी कि सरप्राइज लाया हुआ सेकंड फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑल, तो आल यानी सभी, सभी क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं तो सेकंड फॉर्म है तो सभी के साथ वर लगाएंगे, ठीक है। और उसके बाद सरप्राइज की थर्ड फॉर्म सरप्राइज्ड, और सरप्राइज के साथ में बाई का यूज करेंगे या एट का, एट का करेंगे, एट द न्यूज, उस न्यूज को, उस न्यूज ने सबको सरप्राइज, यानी आश्चर्यचकित, आश्चर्यजनक जो घटना है उसमें डाल दिया, यानी आश्चर्यचकित कर दिया। उसके बाद द रिजल्ट अमेज्ड मी, अमेज के साथ में भी किसका यूज किया जाएगा, एट का, तो कैसे बनाएंगे, आई, आई के साथ वाज सेकंड फॉर्म है, अमेज की थर्ड फॉर्म अमेज्ड ही होती है, ठीक है। अब बाई नहीं लगाएंगे, बाई द रिजल्ट, बाई क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब कौन सी है, अमेज, अमेज के साथ में किसका यूज किया जाता है, एट का, तो यहां हम क्या लगाएंगे, एट। ये आपको समझनी पड़ेगी किसके साथ क्या लगेगा, अगर आप एक बार पढ़ लोगे साथ में तो भी समझ जाओगे कि क्या होगा। जैसे नो के साथ क्या लगाएंगे, टू, तो नो टू, एनओ विद, विद कब, जब हमारा जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में वो क्या हो, कोई संज्ञा हो या किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जा रहा हो, तब विद लगाएंगे, एनोय विद, एनोय एट,
तो वापस पढ़ रहे हैं, नो के साथ क्या लगाएंगे, टू, नॉन टू, हमें याद रखना नॉन टू, थर्ड फॉर्म आएगी तभी तो लगाएंगे नॉन टू पैसिवोज में। उसी प्रकार एनोय, एनोय की थर्ड फॉर्म एनोइड विद, उसी प्रकार एनोइड एट, उसके बाद सरप्राइज्ड, हमें थर्ड फॉर्म बनानी पैसिवोज में ही इनका यूज होगा। एक्टिव वॉइस में है तो देखो नो के साथ टू नहीं लगाया हुआ है। आई नो हर, मैं उसे जानता हूं, यहां पर इंद्रियत क्या होगा, वह मेरे द्वारा जानी जाती है, यानी मैं उसको जानता हूं, बात तो यही है। तो यहां सब्जेक्ट खुद कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में तो हमें थर्ड फॉर्म याद रखनी है। वापिस देखो नॉन टू, एनोइड विद, एनोइड एट, सरप्राइज्ड एट, अमेज्ड एट, इंटरेस्टेड इन और सेटिस्फाइड विद। इतना याद एक बार पुनः आप पढ़ लेना, एक दो बार समझ में आ जाएगा कि सेटिस्फाई के साथ में सेटिस्फाइड विद होगा, एनोइड के साथ एट होगा और विद होगा, यानी कि डेकोरेटेड, स्टार्टलीड, वैक्स्ड, अभी और भी वर्ब है हमारे, ये जो इंपॉर्टेंट है वो यही है, आपको ये याद करनी है, इनके साथ में ये फिक्स प्रीपोजिशन लगेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा। एक और सेंटेंस है देखो, ही सेटिस्फाई, तो बताओ सेटिस्फाई के साथ क्या लगाते हैं, विद लगाएंगे एट लगाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि क्या लगाना है, तो सेटिस्फाई विद यानी सेटिस्फाइड विद, दो तीन बार बोल लोगे तो याद हो जाएगा, सेटिस्फाइड विद यानी बी, बाय नहीं लगाएंगे, विद लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले एवरीबडी, सेकेंड फॉर्म है सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, वाज, थर्ड फॉर्म यही होती है सेटिस्फाइड, क्या लगाऊंगा, विद, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो ये मेन चीज थी जो हमें, इन वर्ब को हमें क्या करना है, याद करना है, ध्यान रखना है कि एग्जाम में इनके साथ ये प्रीपोजिशन नहीं लगे होते हैं। अगर ये याद है तो अगला रूल आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगले रूल में क्या होता है कि उन वर्ब के साथ में एक शब्द पहले आगे एड हुआ होता है प्रीपोजिशन, तो वो एड है तो उसकी तो कोई समस्या ही नहीं है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कि किसके साथ क्या लगेगा। तो ये याद है तो अगले वाला तो एक बार में ही समझ में आ जाएगा कि इनका यूज कैसे करना है। जैसे अगर मैं बात करूं तो एक वर्ब होती है लुक आफ्टर, ठीक है, तो ये लुक आफ्टर का मतलब ही क्या होता है, देखभाल करना। तो यहां पर हम, मैंने कहा कि प्रीपोजिशन आ जाते हैं तो उसके बाद में उन प्रीपोजिशन वाली जगह को छोड़ देते हैं, अभी हम सेंटेंस करेंगे तो समझेंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले जो नियम है उसके बारे में बात करते हैं। अब हम कुछ ऐसी वर्ब्स पढ़ते हैं, देखो अगर वो याद है तो इनको समझना ही है, कुछ ऐसी वर्ब्स पढ़ते हैं जिनके साथ में फिक्स एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लगा हुआ होता है, यानी कि हमने अभी नो का पढ़ा था कि नो के साथ में कोई भी प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में नहीं लगा था, अभी वाक्य किया था आई नो, मान लो हर कर देते हैं, आई नो हर, ये वाक्य था। तो अब देखो नो के साथ में हमें प्रीपोजिशन, सॉरी पैसिव वॉइस में क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना पड़ता है, लेकिन यहां पर तो नहीं लिखा हुआ ना, तो यानी ये वर्ब तो हमें याद करनी पड़ेगी जो हमने पहले की थी, और ये वर्ब हमें केवल समझनी पड़ेगी। देखो एक सेंट यहां पर पहले इसको समझो, लाफ एट, लाफ एट यानी किसी पर हंसना, तो यहां पर लाफ के बाद एट आएगा, आप कहोगे जैसे ही इज गोइंग टू, गोइंग टू से हमें पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। देखो ज्यादा समझ ऐसी हार्ड चीज नहीं है, मैंने कहा कि जहां प्रीपोजिशन आ जाता है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, कब होती है, अगर हमारे देखो वर्ब के तुरंत बाद में, देखो यहां पर देखो ही इज प्लेइंग, यहां पर मेन वर्ब ये है, उसके बाद ये क्या क्रिकेट, क्रिकेट से पहले यहां पर कुछ है, इन, एट, ऑन, अंडर, कुछ भी प्रीपोजिशन है या नहीं है, नहीं है,
मैंने कहा था जब प्रीपोजिशन आ जाता है तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो मैंने उनको कहा था कि उनको वही छोड़ देना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर नहीं है, प्लेइंग के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, फिर यहाँ प्रीपोजिशन है, कहाँ पर खेल रहे हैं, इन द ग्राउंड, ये रहा प्रीपोजिशन। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं, इससे समझो, ही लाफ्ड एट मी, इस कारण मैं ये बता रहा हूं। देखो क्या अंतर आया, मेन वर्ब के तुरंत बाद में मैंने कहा था ऑब्जेक्ट आता है, तो आप क्या करते हो, इसको ही मेन वर्ब मान लेते हो, ये मेन वर्ब नहीं है, साथ में एट फिक्स होता है इस लाफ के साथ में, ही लाफ्ड एट, क्योंकि आप कह दोगे कि सर आपने कहा था कि जब प्रीपोजिशन आता है तो देखे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, नहीं यहां पर ऑब्जेक्ट में दी जा रही है, उससे पहले ऑब्जेक्ट की दी जा रही है, उससे पहले क्रिकेट से पहले इन वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां पर क्या है, एट है, तो फिर कहोगे कि एट कहां जाएगा, ये एट अलग नहीं है, ये कुछ वर्ब होती है जिनके साथ में प्रीपोजिशन फिक्स लगते हैं, यानी लाफ एट होता है, लाफ नहीं होगा, लाफ एट, ये पूरी की पूरी है। देखो लुक आफ्टर, देखभाल करना, लुक नहीं है, आपने कहा कि आफ्टर तो प्रीपोजिशन के रूप में है, हम इसको छेड़ेंगे नहीं, ये पूरी की पूरी ही वर्ब है, कहने का मतलब है। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। एम एट का मतलब क्या होता है, निशाना साधना। तो अगर डबल, ये इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिकेट, दो बराबर दो, साथ में बींग इज है, तो इज का इज ही आएगा, साथ में एड क्या कर देंगे, बींग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, बाई लगाया, उसके बाद ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, और बाकी बची हुई चीज कहां लिख देंगे, इन द ग्राउंड, ऐसे ही बनाना। अब इसका कैसे बनाएंगे, आप कहो कि इसको छोड़ देंगे, नहीं ये पूरी की पूरी वर्ब है, तो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई, वर्ब की सेकंड फॉर्म ईडी। अब इसमें तो एड नहीं करोगे ना, एट एड कर दो कहीं, प्रीपोजिशन का फॉर्म नहीं होती, वर्ब की फॉर्म होती है, तो मेन जो मुख्य दो वर्ब आए तो पहले वाले की फॉर्म बनानी है, तो लाफ की थर्ड फॉर्म आई के साथ पहले क्या लगाएंगे, वाच, और थर्ड फॉर्म होगी लाफ्ट एट, ठीक है, लाफ्ड एट, ये तो क्या है, पूरी की पूरी वर्ब है, ठीक है। उसके बाद में बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। तो सरल शब्दों में बात करें तो हमें ये ध्यान रखना है कि इन वर्ब के साथ ये प्रीपोजिशन फिक्स आते हैं, ये फिक्स वर्ब पूरी की पूरी है, किसी पर हंसना, निशाना साधना, देखभाल करना, हंसना, किसी का मजाक उड़ाना, मोक एट का मतलब मजाक उड़ाना, इंक्वायरी इंटू यानी छानबीन करना, खोजबीन करना, ठीक है। अब कुछ उदाहरण करते हैं इन वर्ब की सहायता से, जैसे इसका पैसिव वॉइस बनाना है, ही लाफ्ड एट मोहन, तो वर्ब क्या है, लाफ एट, तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट मोहन, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पता चल रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वाज, ये तो पढ़ लिया है हमने, लाफ की थर्ड फॉर्म लाफ्ड ही होती है, एट, ये तो क्या है, मेन वर्ब, प्रीपोजिशन के बाद पुनः प्रीपोजिशन आ रहा है, कौन सा, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम, ठीक है। उसके बाद में एम एट, एम एट का मतलब निशाना साधना, जैसे मोहन एम्ड एट द लायन, किस पर निशाना साधा, लायन पर निशाना साधा, ठीक है। तो वर्ब कौन सी है, एम एट, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, द लायन, एल कैपिटल स्मॉल लेटर में आएगा द लायन। उसके बाद सेकंड फॉर्म है,
ये बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। लोइन के बाद में सिंगुलर है तो क्या आएगा, वाज, थर्ड फॉर्म यही होती है, एम्ड, एट, उसके बाद में बाई, मोहन का, मोहनाभ्याम, नहीं क्योंकि मोहन का मोहन ही होगा, संस्कृत नहीं है, तो बाई मोहन। उसके बाद लुक आफ्टर, जैसे ही लुक्स आफ्टर हिज पेरेंट्स, तो वर्ब कौन सी है, लुक्स आफ्टर वर्ब है, तो लुक्स आफ्टर के बाद में हिज पेरेंट्स, हिज कौन सा केस है, पजेजिव, तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, लुक आफ्टर का मतलब देखभाल करना, वह अपने माता पिता की क्या करता है, देखभाल करता है, प्रेजेंट सिंपल, ही सिंगुलर है, एस लगा हुआ है, एस फॉर सिंगुलर, तो सबसे पहले क्या होगा, हिज पेरेंट्स, दो जने हैं, माता और पिता दोनों, इसका मतलब प्लूरल है, प्रेजेंट सिंपल है, एक बराबर दो, तो यहां इज आर एम में से क्या आएगा, आर। लुक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लुक्ड आफ्टर यही रहेगा, उसके बाद में बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो गया, हिम, ये भी समझ में आया होगा। अगला है मोकेट, मोकेट का मतलब क्या होता है, किसी का मजाक उड़ाना, तो कैसे बनाएंगे, He mocked at her. उसने उसका मजाक उड़ाया, कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, पास्ट सिंपल है, तो हर सब्जेक्ट में आएगी, तो हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, सी, एक बराबर दो, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी, तो सी सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वाज, उसके बाद में मॉक्ड, थर्ड फॉर्म एट नहीं रहेगा, फिर लगाएंगे बाई, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में अंतर समझ में आया हुआ है, सब्जेक्ट खुद कार्य करता है तो एक्टिव वॉइस है, ही मॉक्ड एट हर, उसने उसका मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाने वाला कौन है, वह, तो सब्जेक्ट में रखा, उसका मजाक उड़ाया गया किसके द्वारा, बाई का मतलब के द्वारा, उसके द्वारा, तो जो मजाक उड़ाने वाला था वो ऑब्जेक्ट में, इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस। और दूसरी बात है, वाज के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, आईएनजी नहीं है, इसका मतलब ऐसी पैसिव वॉइस है। तो अगला है स्माइल एट, किसी पर मुस्कुराना, जैसे मोहन स्माइल्ड एट सोहन, किसकी तरफ मुस्कुराया मोहन, सोहन की, सोहन को देखकर मुस्कुराया, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड है, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सोहन, सोहन के साथ क्या लगाएंगे, वाच, क्यों लगाया, सिंगुलर है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो एक बराबर दो, यानी पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब, स्माइल की थर्ड फॉर्म स्माइल्ड ही होती है, एट, उसके बाद बाई लगाकर लिख देंगे मोहन। ये है स्माइल एट, यानी इन वर्ब को तो रटना ही नहीं है, वो वर्ब है नो के साथ में क्या होगा, सेटिस्फाई के साथ क्या होगा, डेकोरेट, एनोय, एनोइड, एट, एनोइड विद कब होगा, उसके बाद में मोक एट, उसी प्रकार मोक एट का बन जाएगा, मोक डेट का बना दिया हमने, और लास्ट है इंक्वायर इनटू, यानी छानबीन करना, जैसे सेंटेंस बनाए, द पुलिस इज मोहन कर देते, मोहन इज इंक्वायरिंग, इंक्वायर के साथ क्या लगता है, इनटू द केस, द प्रोजेक्ट, कुछ भी हो, तो इंक्वायरिंग के साथ में क्या लगता है, इनटू, तो क्या लग, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, इंक्वायर इनटू, ये तो पूरी की पूरी क्या है, वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो द
केस, ठीक है, इज आर एम प्लस आई एन जी कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, कौन से नंबर पर आता है, दो नंबर पर, तो दो बराबर दो साथ में क्या लगा देंगे, बींग, यानी केस सिंगुलर है तो इज बींग, और इंक्वायर की थर्ड फॉर्म ई एन क्यू यू आई आर ई डी, इंक्वायर्ड इनटू, ठीक है, उसके बाद में बाई मोहन, इस प्रकार से इनका पैसिव वॉइस बनेगा। सरल शब्दों में बात करें तो अगर मेन जो वर्ब होती है उनके साथ में कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं, उनका खुद का ही मतलब होता है, तो वहां पर उन प्रीपोजिशन में कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, उसके बाद जो वर्ब आई हुई है उसकी थर्ड फॉर्म लगाकर उस प्रीपोजिशन को लिखकर बाई लगाकर ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लिख देंगे, इतना ही है। तो ये है मेन मेन पैसिव वॉइस के जो रूल थे वो हमने अभी पढ़ लिए। अब एक और है, दो सेंटेंस हम बात करें तो इट इज टाइम या इट इज टाइम टू क्लोज ऑफिस वाले जो सेंटेंस इट इज टाइम वाले, उनका हमें पैसिव वॉइस बनाना सीखना है। इतने इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है वो, लेकिन फिर भी हमारे जो किताब है उसमें आए हुए हैं वो, तो हम उनकी पैसिव वॉइस सीखते हैं। अगला रूल है इट इज टाइम टू वाला। इट इज टाइम टू का जो रूल है ये हमारे एक जो एक्टिव वॉइस यानी टेंस पढ़े थे उस समय पास्ट सिंपल का भी रूल है कि इट इज टाइम हो, इट इज हाई टाइम और उसके बाद सब्जेक्ट होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो स्पेशल रूल में है, वो कभी करवा देंगे। अभी यहां पर है इट इज टाइम उसके बाद टू आया हुआ है, और एक्टिव वॉइस में जो पास्ट सिंपल में क्या होता है, यहां सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं बता दूं, जैसे इस प्रकार लिखा हुआ है इट इज टाइम सी ए न्यू बिजनेस, स्टार्ट की फॉर्म भरनी हो तो इट इज टाइम आया हुआ हो और सब्जेक्ट हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, अब तक उसे अपना नया व्यवसाय शुरू कर देना चाहिए था, ये स्पेशल रूल में है, वैसे हमारे नहीं आता है। यहां पर क्या है कि यहां सी नहीं है, टू है, और टू के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस में अगर इस प्रकार से वाक्य लिखा हुआ हो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है, गोइंग टू वाला वर्ब है वैसे याद है तो ठीक है, नहीं तो देखो एक वाक्य लिख लेते हैं उसका डायरेक्ट बनाएं, इट इज टाइम टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी लीव द ऑफिस, यानी लीव यानी छोड़ना जाना, यानी कि ये ऑफिस से जाने का समय हो गया है, यानी अब घर चलना चाहिए। तो अगर इट इज टाइम टू का पैसिव वॉइस बनाना हो, देखो और भी रूल है हमारे किताब में है वो ही पढ़ेंगे हम, इट इज टाइम टू लीव द ऑफिस, तो अगर इस प्रकार का इट इज टाइम टू वाला सेंटेंस हो, ये स्ट्रक्चर है ऊपर इसी प्रकार का वाक्य लिखा हुआ है, अगर इस प्रकार का हो तो आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको इट इज टाइम सेम टू सेम लिखना है, समझ में आ गया, फिर आप इस चीज को एक बार रहने दो और याद करो मॉडल के बाद में टू के बाद में थर्ड फॉर्म लेकर आनी हो तो हम क्या लगाएं, क्या लगाएंगे, बी, टू आया हुआ है थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी लगा देंगे, इसको छोड़ दो, फिर ये हमारा यहां पर नाउन होता है ऑब्जेक्ट अपने शब्दों में बोलें, तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, फोर, ये याद रखना है बस, फोर फिर क्या है द ऑफिस, ठीक है, फोर लगाना है फिर द ऑफिस, फिर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए तो टू का टू लगा देंगे, और टू के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए तो क्या हो जाएगा, बी, और बी की लीव, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट, यहां हो जाएगा लेफ्ट। क्या याद रखना है कि इट इज टाइम उसके बाद में टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां पर क्या होता है नाउन, इस नाउन को यहां ले जाएंगे टू से पहले और उसके पहले क्या लगा देंगे, फोर, और कुछ भी नहीं है। एक दो सेंटेंस और करते हैं, जैसे
इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, दुकान बंद करने का समय हो गया, इट इज टाइम है तो क्या करेंगे, इट इज टाइम, फिर इस नाउन को यहां लाएंगे, उससे पहले क्या लगाएंगे, फॉर द शॉप, और फिर टू के बाद थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी लगा देंगे, बी टू बी, और क्लोज की थर्ड फॉर्म क्लोज्ड, बस इतना सा ही रूल है। तो ये पैसिव वॉइस के मेन मेन रूल है जो हमारे आज पूरे हो गए हैं। अब देखो दे बिलीव्ड वाला, वैसे हनी हनी वाला कुछ रूल है स्पेशल, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने पैसिव वॉइस यहाँ तक पढ़ लिए हैं, एक रूल और होगा तो करेंगे, नहीं तो हम कल से जो रिवीजन है एक क्लास से रिवीजन की लगाएंगे, फिर सोमवार को जो आपका टेस्ट है उसके बारे में आपको पहले ही बताया हुआ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।